हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम हेल्प ब्लॉगर स्टडी चैनल में। हम आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कार्टेल। तो कार्टेल के बारे में आज हम समझने वाले हैं कि कार्टेल क्या होता है। तो इससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप सीधे तरीके से हमसे किसी भी टॉपिक की डिमांड कर सकते हैं, आप हमें कोई सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं या कोई मदद चाह सकते हैं। तो ये जो मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए हमें, और व्हाट्सएप करके आप सीधे तरीके से हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ जाइए और ईज़िली आप हमसे किसी भी तरीके की कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डिमांड कर सकते हैं, जिस पे हम पहले आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम कार्टेल। कार्टेल क्या होता है? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर ये कि कार्टेल क्या होता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बहुत सारे कोर्सेज में, जैसे कि BCom हो गया या फिर BBA वगैरह, तो कार्टेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इसके बारे में देख लेते हैं हम कि कार्टेल क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखना बहुत ज़रूरी है कि कार्टेल क्या है। तो कार्टेल की चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं हम, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं कि कार्टेल क्या होता है। इस डेफिनेशन में हर एक जो चीज़ दे रखी है वो क्या मीनिंग रखती है। मान लीजिए कि कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करनी है, यानी कि एकाधिकार बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल समझ में आएगा कि मान लीजिए कि कुछ कंपनीज हैं, दो कंपनीज हैं, वो किस सेम तरह का प्रोडक्ट बेचती हैं। जैसे कि ए कंपनी है, वो भी सेम तरह का प्रोडक्ट बेचती है, और बी कंपनी है, वो भी सेम तरह का प्रोडक्ट बेचती है। अब क्योंकि ये एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक बेचते हुए मान लीजिए ए जो है ये पेप्सी है और बी जो है ये कोका कोला है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पेप्सी और कोक का, तो आपको इससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए अगर पेप्सी अपने रेट को 10 रुपये पर रखती है, और वहीं अगर कोका कोला अपने रेट को 10 रुपये पर रखती है, तो अगर पेप्सी के मन में ये आता है कि उसकी सेलिंग कम हो रही है और वो चाहती है कि उसकी जो सेल है वो बढ़ जाए, यानी कि वो ज़्यादा सेल करने लग जाए, तो उसको क्या करना होगा, वो अपना प्राइस जो है वो 9 रुपये कर लेती है। ठीक है जी, तो वो प्राइस अपना 9 रुपये कर लेती है। वहीं कोका कोला ये देखती है कि उसने अपना 9 रुपये का प्राइस कर लिया, सारे के सारे कस्टमर्स उसी के पास चले गए, यानी कि कोका कोला के सारे कस्टमर्स पेप्सी वालों के पास चले गए, तो कोका कोला भी क्या करती है कि अपना प्राइस और गिरा लेती है, वो अपना प्राइस 8 रुपये कर लेती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल भी हुआ है कि एक बार पेप्सी कोक ने अपने प्राइसेस जो है घटाकर इतने कम कर दिए थे कि 5 और 6 रुपये की जो नॉर्मल 300 ml की बोटल्स आती हैं वो बिकने लग गई थी। तो ये कंपटीशन के कारण आपस में एक दूसरे का ही गला काटती रहेंगी कंपनीज। इसका पूरा का पूरा जो फ़ायदा होगा वो किसको होगा, वो होगा बायर्स को, यानी कि कंज्यूमर्स को पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा, पब्लिक को पूरा फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा कंपनी चाहती नहीं है कि जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो किस में बढ़ जाए, पब्लिक में बढ़ जाए। तो अब इस केस में कंपनीज़ क्या करेगी, कंपनीज़ एक दूसरे की मीटिंग बुलाएगी और एक दूसरे को आमने सामने बिठाएगी। फॉर एग्जांपल ए कंपनी बी कंपनी के सामने बैठेगी और ये वो आपस में डिस्कस करेंगे प्लान कि ऐसे तो तेरा भी घाटा हो रहा है और ऐसे तो मेरा भी घाटा हो रहा है, अब किया क्या जाए। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ निकाली जाए जो कि हो कि आपस में मिलके चलते हैं, यानी कि दोनों ही मार्केट का जो शेयर है, दोनों ही मार्केट में एकजुट होकर चलेंगे। अगर प्राइस घटाना है तो दोनों मिलकर घटाएंगे, अगर बढ़ाना है तो मिलकर बढ़ाएंगे, और जितनी सप्लाई रखनी है वो दोनों मिलकर ही सप्लाई को मार्केट में देंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेप्सी जो है वो 100 बॉटल्स मार्केट में लाएगा तो वो भी 100 बॉटल्स लाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हो गए, यानी कि कुछ शर्तें बना ली इन दोनों ने आपस में ही, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन लोगों ने फ्रेम कर लिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके फॉलो करते हुए ये दोनों मार्केट में उतरेंगे, जिससे कि ना इसका लॉस होगा, ना पेप्सी वाले का लॉस होगा, ना कोका कोला वाले का लॉस होगा। तभी आपने देखा होगा कि दोनों ब्रांड के अंदर दोनों जो बॉटल्स होती हैं वो दोनों सिमिलर होती हैं प्रोडक्ट्स, और दोनों के ही जो रेट्स होते हैं वो सेम होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि 35 रुपये वाली जो कोल्ड ड्रिंक आती है कोका कोला की 600 ml की, उसी में ही पेप्सी भी 35 रुपये में ही निकालता है अपना 600 ml। वो क्यों नहीं ऐसा करते कि 1-2 रुपये कम कर दें जिससे कि उनकी सेल ज़्यादा हो जाए? तो ऐसा कभी आपने सोचा है कि ऐसा वो क्यों नहीं करते हैं जिससे कि उनकी सेल बढ़ जाए? तो उसका कारण यही है कि वो लोग नहीं चाहते हैं
कि सारा का सारा जो कंपटीशन का फ़ायदा है, यानी कि आपस में जो कंपटीशन कर रहे हैं ये लोग, इसका पूरा फ़ायदा किसको हो जाए, ये सारा का सारा फ़ायदा हम बायर्स को दे दें। तो वो बायर्स तक ये फ़ायदा पहुंचाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बीच में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, वही तो बायर पूरी की तरीके से खा जाएंगे, यानी कि कंज्यूमर खा जाएंगे, तो इनको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, आपस में एक गुट बना लेते हैं, यानी कि एक संगठन बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। अब ये इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो सभी कंपनीज आ जाती हैं जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रही हैं सेम प्राइस पे। तो आपस में ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलते हैं ताकि इनको नुकसान ना हो। और बाकी बात रही कंपटीशन की, तो ये कंपटीशन को चाहते हैं कि कंपटीशन देखिए प्राइस की वजह से कट ना हो, कंपटीशन हम कट कर लें अपनी एडवर्टीजमेंट के ज़रिए या अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाकर। वो पर्टिकुलर डिपेंड करेगा हर एक कंपनी के ऊपर कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा अच्छा दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कंपटीशन के चलते अपना जो है पूरा प्रॉफिट है वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको दे दें, बायर्स को दे दें और कंज्यूमर्स को दे दें। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये गुट बनाते हैं, उसी गुट को कार्टेल बोला जाता है। शायद आपको ध्यान हो, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो यही है इकोनॉमिक्स के अंदर, कि आपने सुना होगा ओपेक के बारे में, यानी कि ऑयल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओपेक के नाम से भी जानते हैं, ओपेक। तो ये क्या है, ओपेक क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ये कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि उत्पादक हैं या फिर हम कहें सप्लायर्स हैं किसकी, पेट्रोलियम की और ऑयल्स की। तो आपको पता है कि वहाँ पर ही सिर्फ ऑयल होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ ये जो कंट्रीज़ हैं अगर ये आपस में ही भिड़ने लग जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भारत है, इंडिया है, वो पेट्रोल ख़रीदे ईरान से भी, इराक से भी, और पेट्रोल ख़रीदे सीरिया से भी, तो इनके बीच में आपस में ही लड़ाई हो जाएगी कि कौन इनको सस्ता दे। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत पूरा फ़ायदा उठा जाए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसकी मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है आपस में गुट बनाकर, यानी कि एकाधिकार क्रिएट किया जा सकता है। अगर इन लोगों ने गुट बना लिया तो इनका एकाधिकार हो जाएगा, यानी कि भारत के पास फिर ऑप्शन नहीं है कि वो अपना जो तेल है, तेल की जो खपत है, वो कहाँ से लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अमेरिका से लेगा। अब हम जानते हैं कि अमेरिका के पास जो रिसोर्सेज हैं वो खुद बहुत कम हैं, तो अमेरिका इनको, भारत को जो सेल करेगा तेल, वो बहुत ही हाई रेट में सेल करेगा। तो भारत को मजबूरन इनके पास आना ही पड़ेगा, या तो इराक के पास या सीरिया के पास। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में गुट बना लेते हैं ताकि जो बायर है, यानी कि जो इंडिया है, उसको कम रेट में ना दिया जाए, यानी कि उसको हाई रेट में या फिर एक ऐसे रेट में दिया जाए जिनसे कि इनकी मोनोपोली ख़राब ना हो। तो इनकी मार्केट में मोनोपोली बन जाती है, यानी कि बायर जो होगा सिर्फ इनसे ही खरीदेगा, और इनको कंपटीशन के चलते कोई प्राइस की कटौती भी नहीं करनी पड़ेगी, ये हाई प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। तो यही हमने सीखा था इसके डेफिनेशन में। देखिए यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कंपटीशन को, यानी कि कंपटीशन को भगा देते हैं, और अपना माल वो हाई रेट पे जितने मर्जी पे चाहे वो ले सकते हैं। तो यही है कि एक एसोसिएशन बन जाती है सप्लायर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की, जिनका पर्पस होता है कि वो प्राइजेस हाई प्राइस पे ले सकें, यानी कि मनचाहे प्राइस पे बायर से ले सकें, और जो रेस्ट्रिक्ट कर दे, और जो कि कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट कर दे जिससे कि मोनोपोली मार्केट में क्रिएट हो जाए, यानी कि एकाधिकार हो जाए उनके, यानी कि उनके अलावा कोई हो ही ना विक्रेता जो कि मार्केट में इस प्रोडक्ट को बेच पाए। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया, जो कि है ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे, और हमें आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें ग्रुप में बताइए कि हम आपके लिए कौन से टॉपिक पहले लेकर आएँ, कौन से टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं। तो हमें जल्दी से ढेर सारे कमेंट कीजिए, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो की PDF, यानी कि जो भी ये नोट्स हैं जो भी हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, अगर उसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारी इस वेबसाइट पर, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट पर जाइए, और इस वेबसाइट पर जाकर आप ये दोनों ही काम कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल मुफ्त रखे गए हैं। यानी कि PDF भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप, और यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट भी मुफ्त में दे सकते हैं, ये दोनों ही काम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जिससे कि आप सारी जो
आने वाली वीडियोस हैं वो आपको ऐसे ही मिलती रहें, बेल आइकन को साथ में ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, और शेयर कीजिए इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ये आपका एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि आप इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हमारी मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।